नमस्कार, गुड इवनिंग। पर्सनल फाइनेंस की डेली डोज लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं आपके अपने शो मनी गुरु में। मैं हूं पल्लवी। अगर आपको भी कोई राय लेनी है हमारे एक्सपर्ट से, या फिर अपने मौजूदा निवेश पर आप एक्सपर्ट की राय लेकर उसे और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट करें, आप ईमेल या एसएमएस के जरिए भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। moneyguru@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे, साथ ही सेव हमारा कोड लिखकर आपको अपने सवाल 57575 पर भेजने होंगे। सवाल के साथ अपना नाम लिखना ना भूलें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हर्षवर्धन रुंगटा हैं, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्षवर्धन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करेंगे। पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है, प्रवीण गुप्ता लखनऊ से मौजूद है। प्रवीण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी नमस्कार। एक्चुअली मेरी टोटल इनकम है 6 लाख पर ईयर। जी ठीक है। मैंने LIC में 6,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। ओके ठीक है। और मैंने PPF में 60,000 पर ईयर इन्वेस्ट करता हूँ। ओके ठीक है जी। और मैंने एक टर्म प्लान ले रखा 1 करोड़ का। ठीक है। अब मेरे पास सरप्लस 6,000-7,000 बचते हैं, क्या मेरे को SIP में जाना चाहिए या कोई और ऑप्शन है? अपने बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकते हैं प्रवीण? आपकी एज इस वक्त कितनी है, और अगर आप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करते भी हैं तो आप कितने समय के लिए अपना पैसा निवेश करना चाहेंगे? ओके मेरी करंट एज 28 है, मैं सिंगल हूँ। ओके ठीक है। और ऐसा इन्वेस्टमेंट मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूँगा। जी चलिए हर्षवर्धन से जानते हैं कि आपके लिए क्या रहेंगे बेस्ट ऑप्शन। हर्ष, जैसे इन्होंने बताया इनकी एज काफी यंग ब्रैकेट में है, 29 इयर्स है, साथ ही इनके पास कुछ सरप्लस है 6,000-7,000 पर मंथ जो ये निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP अक्रूट अगर अपनाते हैं तो किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही कौन से फंड्स इनके लिए अच्छे रहेंगे? वेल प्रवीण जी, पहली बात कि आप जब कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप शुरू करने के लिए आप अपना जो 6,000 या 7,000 रुपीज़ है उसे आप स्प्लिट कर लीजिए इनटू टू पार्ट्स। एक हिस्सा आप एक एक्टिवली मैनेज फंड लीजिए, जो आप UTI अपॉर्चुनिटीज फंड कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, आप एक इंडेक्स फंड में निवेश करिए। आपको क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको इंडेक्स फंड्स एक पैसिवली मैनेजमेंट फंड मैनेज्ड फंड्स होते हैं जिनका जो रेप्लिकेट करते हैं, जो पोर्टफोलियो होता है वो पूरा अपना सेंसेक्स या निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। तो आपके पोर्टफोलियो में या तो 30 स्टॉक्स होंगे अगर आप सेंसेक्स फंड लेते हैं, या तो निफ्टी के अगर आप फंड चूज करते हैं तो 50 स्टॉक्स होंगे। ये आपको एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो इंडेक्स फंड में बहुत कम होता है। आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे भी डिपेंड नहीं करना रहता है। आप ये इजी होते हैं परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए, और आप उसे एंड तक जो आपका होराइजन है 10 इयर्स, 20 इयर्स या 30 इयर्स आपका जो टाइम होराइजन है उसमें आप बने रह सकते हैं। तो शुरू करने के लिए आप अपना एक हिस्सा जो फंड का है से समझ लीजिए 3,000 या 4,000 रुपये आप इंडेक्स फंड में करिए। फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, BSE सेंसेक्स प्लान एक प्लान है जिसमें आप कर सकते हैं निवेश, और दूसरा है UTI अपॉर्चुनिटीज फंड। इस प्रकार से शुरू करिए और आगे जाके अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिएगा। चलिए प्रवीण, क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको हमारे एक्सपर्ट की तरफ से फ्रैंकलिन इंडिया जो कि एक इंडेक्स फंड है उसमें निवेश करने की सलाह दी गई है। अगर इसका लॉन्च से अब तक का रिटर्न देखें तो 15% के आसपास इसने एनुअलाइज बेसिस पे रिटर्न दिया है। साथ ही UTI अपॉर्चुनिटीज एक इनकम फंड है, आप उसे भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं इसलिए, और ऑलरेडी भी आपका एक्सपोजर डेट में और भी कई चीज़ों में है, जैसे आपने बताया था LIC पॉलिसी में आप निवेश कर रहे हैं, साथ ही PPF में भी आप टैक्स रिडक्शन के लिए भी आप उसमें निवेशित हैं। कुछ और स्कीम्स जो आप उनका रुख कर सकते हैं उनमें से ये हैं, आप उनको थोड़ा कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल एक सवाल ईमेल के जरिए हम शामिल करेंगे। राहुल ने दिल्ली से सवाल भेजा है, ये लिखते हैं कि इनकी उम्र है 33 साल और इनकी जो मासिक आय है वो करीब करीब 42,000 है। अपने बच्चे के लिए निवेश करना चाहते हैं, बच्चे की उम्र इस वक्त 3 साल है, यूलिप के बारे में एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं। हर्ष, यूलिप में सिर्फ अगर रिटर्न को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं क्या ये सही रहेगा? जी नहीं पल्लवी, एक्चुअली अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एक व्हीकल चाहते हैं जिसमें आप रिटर्न्स एक पैरामीटर है, रिस्क कवरेज अलग चीज़ हो गई। अगर आप रिटर्न्स के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं तो मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वो यूलिप या कोई भी और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी तरफ रुख ना करें। वो अगर एक डेडिकेटेड, और क्योंकि इन्होंने बताया अपने बच्चे की एज 3 साल की है तो इनके पास लगभग 15 साल हैं जब इन्हें ये इन्हें एजुकेशन या मैरिज के हिसाब से इन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये 100% इक्विटीज की तरफ यू नो ध्यान दे सकते हैं। अगर ये कंफर्टेबल 100% इक्विटी से नहीं है तो एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें थोड़ा डेट का कंपोनेंट भी होता है। इनके लिए मैं एक फंड बताऊंगा जो एक जो म्यूचुअल फंड के थ्रू है,
HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान, आप ये वाली जो स्कीम है इसमें आप SIP के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। इसमें लगभग 80% जो कॉर्पस होता है वो इक्विटी में होता है, बाकी 20% डेट में होता है। इसका एडवांटेज एक और ये है कि आप इनके पास क्योंकि 15 साल का टाइम है, कंपाउंडिंग का जो इन्हें बेनिफिट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कोई भी दूसरा प्रोडक्ट, जैसे यूलिप की बात करें जिसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इसमें एक प्रोविजन इनके पास है कि अगर ये चाहें कि पैसे बीच में मिसयूज ना हो, अगर ये 18 साल की उम्र के बाद ही मिलने चाहिए, इस फंड में एक ऑप्शन है कि आप लॉक इन चूज कर सकते हैं। जी, अगर आप लॉक इन चूज करते हैं तो जब तक आपका चाइल्ड अगर 18 ईयर्स के नहीं होते आप उसमें से रिडीम नहीं कर सकते। अगर इन्हें ऐसे लगता है कि इन्हें पैसे 18 साल की उम्र के पहले भी लग सकते हैं तो ये इनका चॉइस है, ये लॉक इन ऑप्शन नहीं चूज करें और रेगुलर इसे एक फंड की तरह ट्रीट करें और इन्वेस्ट करते रहें। सो ये एक ऑप्शन इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ना कि यूलिप या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। जी, तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया, राहुल आप यूलिप की तरफ अगर आप देख रहे हैं सिर्फ रिटर्न्स का माध्यम अगर आप चूज करना चाहते हैं तो रिटर्न्स के लिए आप बेहतर ऑप्शंस आपके साथ बाजार में मौजूद हैं। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट इन्वेस्टमेंट फंड एक है जिसका 80% एक्सपोजर इक्विटी में और 20% हिस्सा करीब डेट में है। कम जोखिम भी अगर आप लेना चाहते हैं, एक मिला जुला आप पोर्टफोलियो लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, ये एक फंड है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करेंगे। अगला सवाल जैनुद्दीन FR बड़ौदा से इन्होंने सवाल भेजा है। इन्होंने पूछना चाहा है कि NPS के मुकाबले अगर मैं पोस्ट ऑफिस MIS में निवेश करूं तो कैसा रहेगा और साथ ही इन दोनों में क्या फर्क है, इनकी कुछ बारीकियों पर नजर डालेंगे। हर्षवर्धन, NPS एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, पोस्ट ऑफिस MIS में एक फिक्स रिटर्न मिलता है, दोनों के फीचर्स अगर आप ब्रीफली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाए। देखिए, पहली बात MIS जो पोस्ट ऑफिस का एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जिसमें आप एक लमसम इन्वेस्ट करते हैं फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, उस पर आपको 8.4% एनुअलाइज इंटरेस्ट मिलता है जो आपको मंथली दिया जाता है। 8.4% एनुअलाइज्ड, लेकिन जो इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है वो आपको मंथली दे दिया जाता है, इसी के लिए वो मंथली इनकम स्कीम बताई जाती है। नाउ अगर आप NPS से इसे कंपेयर कर रहे हैं, NPS एक टोटली अदर वे राउंड प्रोडक्ट है। NPS में आप हर महीने निवेश करते हैं या हर साल निवेश करते हैं, ये पैसे आगे जाके आपके रिटायरमेंट पे एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है जो एक लमसम अमाउंट बन जाता है। इसमें से आपके चॉइस रहती है, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसमें से 60% आप निकाल सकते हैं एक लमसम के तौर पे, बाकी 40% आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ आपको एक एन्युटी प्रोडक्ट खरीदना होता है। उसके बाद वहां से आपको हर महीने या हर साल का आपको इंटरेस्ट जो पेंशन के रूप में आपके हाथ में दिया जाता है। सो ये दोनों प्रोडक्ट एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अगर इन्हें चूज करना है बिटवीन MPS एंड MIS, आई डोंट थिंक ये इन्होंने प्रोडक्ट के सारी डिटेल अच्छी तरह समझे हैं। मेरा सुझाव इनके लिए रहेगा कि अगर रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं सो ये एक अलग से पोर्टफोलियो बना सकते हैं थ्रू SIPs, आप इक्विटीज, डेट, प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके एक कॉर्पस बनाएं। और अगर फिक्स्ड अमाउंट इनके पास ऑलरेडी हाथ में है रुपए, तब ये कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के साथ में, बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट या कोई टैक्स फ्री बॉन्ड्स या NCDs, इनके साथ कंपेयर करेंगे। सो मेरा इन्हें यू नो नेट ऑल सुझाव यही रहेगा कि वो एक अगर एक फाइनेंशियल प्लानर से पर्सनली मिलें, सारे प्रोडक्ट्स के फीचर्स समझें और इनके एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के अगर ये कोई इन्वेस्ट करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो जैनुद्दीन साहब, बाजार में काफी सारे विकल्प हैं लेकिन आपकी जरूरत क्या है और अपने प्रोफाइल को देखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट की भी राय है कि आप पर्सनली किसी एडवाइजर से आप अगर आप प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो बनवाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि किसी गलत पॉलिसी या ऐसी स्कीम में आप निवेश करें जिसमें लॉक इन ज्यादा हो और आपको कम समय में अगर पैसे की जरूरत होगी तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। हालांकि NPS और पोस्ट ऑफिस MIS दोनों के फीचर्स यहाँ पर ब्रीफली हमारे एक्सपर्ट ने शेयर करने की कोशिश की है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, पर ब्रेक से जब लौटेंगे कुछ और सवालों को शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं मनी गुरु और आज चर्चा सेविंग्स के विकल्प पर हो रही है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन रुंगटा जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से। कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, पर पहले आपको बता दें कैसे अपने सवाल इस शो में भेज सकते हैं, ईमेल या SMS के जरिए। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@znetwork.com पर आपको अपने सवाल भेजने होंगे, अपना फोन नंबर लिखना उसमें ना भूले। साथ ही घर बैठे SMS भी कर सकते हैं, आज का कोड रहेगा सेव SAVE, लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 5775 75 पर आपको भेजना होगा।
चलिए अगले कॉल फोन लाइन पर है, उनसे बात करते हैं। निकुंज नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। मैडम मेरा ये क्वेश्चन है जी। हाँ निकुंज पूछिए आपका क्या सवाल है। निकुंज आप सुन पा रहे हैं? निकुंज आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, पर निकुंज ने सवाल ईमेल के जरिए भी शेयर किया था। इन्होंने लिखा है इनकी उम्र 22 साल है और कुछ समय में ट्रैवल करने वाले हैं हर्ष, तो इनकी एनुअल इनकम 9 लाख है, जिसके लिए इसको ये कवर भी लेना चाह रहे हैं 10 टाइम्स। लेकिन इनका जो कंसर्न है वो ये कि अगर ये ट्रैवल करते हैं और दुबई इनको जाना है तो क्या यहाँ ली हुई पॉलिसी वहां पर वैलिड होगी और ऐसे में क्लेम मिलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जी नहीं पल्लवी, पहली बात है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइफ कवर जो इंडिया में इशू किए जाते हैं उनका कवरेज जो होता है वो है वर्ल्ड वाइड। डेवलप्ड मार्केट सच एज यूएस, हमने उनमें देखा है कि कई इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, लेकिन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं आपके ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एक चीज़ मैं इन्हें सुझाव दूंगा कि अगर ये जान दे ही नोज वेरी वेल कि वो दुबई जाने वाले हैं और वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं रहने के पर्पस की वजह से, सो ये अपने प्रपोजल फॉर्म में इंश्योरेंस कंपनी को इंडिकेट कर दें और इन्फॉर्म कर दें कि भाई मैं शिफ्ट होने वाला हूँ। हालांकि दुबई एक नेगेटिव लिस्ट में नहीं आती है, नेगेटिव कंट्रीज की लिस्ट में नहीं है, सो इन्हें कोई पॉलिसी मिलने में दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ है कि आपने अपनी तरफ से क्योंकि एक इवेंट आपको मालूम था आपकी लाइफ में होने वाला है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दिया है, तो कभी भी कोई भी इन्हें दिक्कत नहीं होगी। सो नेट ऑल आपका कवरेज वर्ल्ड वाइड है, आप यहाँ से पॉलिसी ले जाके आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर गाइडेंस मिली होगी एक्सपर्ट की तरफ से, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, सिर्फ आपको अपनी बीमा कंपनी को सूचित करना है कि आप कुछ समय में दुबई जाने वाले हैं और एक्सपर्ट ने जैसे बताया आपको आसानी से क्लेम मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही कंपनी को ये आप इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। अगला सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया सुनील कुमार विशाखापट्टनम से, इन्होंने सवाल भेजा है इनकी कुछ SIPs चल रही हैं हर्ष, और जैसे इन्होंने बताया फंड्स जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं DSP ब्लैक रॉक का माइक्रो कैप, DSP ब्लैक रॉक का ही एक टैक्स सेवर फंड है और साथ ही रिलायंस ग्रोथ फंड है जिसमें इनकी SIPs चल रही हैं। इनको काफी नुकसान हुआ है, इन्होंने लिखा है माइक्रो कैप फंड में और साथ ही टैक्स सेवर दोनों में ही इनको कुछ लॉसेस हो रहे हैं, फिलहाल इनमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्हें रिडीम करना चाहिए? वेल पल्लवी, इन्होंने इनका पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो इनका इन्वेस्टमेंट्स है वो है मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में। सो पहला सुझाव यही होगा कि इन्हें DSP माइक्रो कैप और रिलायंस ग्रोथ फंड्स में SIPs बंद कर देनी चाहिए। इनका जो 3,000 रुपया जो SIP के जरिए इन दोनों फंड्स में जा रहा है वो इन्हें एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड में डालना चाहिए, ना कि एक कॉन्सेंट्रेटेड मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में। मैं इन्हें सुझाव दे सकता हूं कि ये ICICI डायनेमिक प्लान में निवेश करें। ये फंड एक बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया गया है, ये ध्यान में रखते हुए ये क्योंकि मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं, इनका जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जैसे मार्केट की वैल्यूएशंस होती हैं उस बेसिस पे उतना ही पोर्शन वो कैश में रिटेन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मार्केट एक प्राइस टू बुक वैल्यू X अमाउंट होता है तो कैश परसेंटेज उनके पूरे फंड का एक X परसेंटेज हो जाएगा, एक X अमाउंट हो जाएगा। सो इस प्रकार ये वॉलेटिलिटी को मैनेज करते हैं। तो इनके पोर्टफोलियो को देखते हुए मैं सुझाव दूंगा कि ICICI डायनेमिक प्लान में करें, इनका जो DSP टैक्स सेवर है उसमें वो बने रह सकते हैं। तो चलिए सुनील आपके लिए राय है, नया पोर्टफोलियो भी एक्सपर्ट की तरफ से आपके सामने है। टैक्स सेवर में अगर आपका लॉक इन कंप्लीट हो गया है तो आप आगे डिसीजन ले सकते हैं, फिलहाल उसको जारी रखें 1500 की जो आपकी SIP चल रही है। साथ ही एक बेहतरीन फंड ICICI डायनेमिक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए क्योंकि बाजार में काफी वोलेटिलिटी है जैसे एक्सपर्ट ने बोला, और मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिलती है, ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप के ज्यादा आपने फंड्स चुने हुए हैं इसलिए उसे थोड़ा सा शफल कर सकते हैं और कोई दूसरा फंड चुन सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो राजीव गांधी इक्विटी स्कीम पर होगी चर्चा। हम देख रहे हैं मनी गुरु शो का आखिरी सेगमेंट है, एक सवाल यहाँ पर ईमेल के जरिए शामिल करेंगे। केशव नदी जी मुंबई से लिखते हैं कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, इसमें कितनी टैक्स छूट है और साथ ही इसके क्या फायदे हैं, डीमैट की भी रिक्वायरमेंट इसमें होती है नहीं, एक ओवरऑल आपसे रिव्यू लेना चाहते हैं। हर्ष बताइए RGES जो स्कीम लॉन्च हुई है इसका किस तरह का फीडबैक देखने को मिला है निवेशकों के बीच में और ये किन लोगों के लिए खास करके बनाई गई है? वेल पल्लवी, जो रिस्पांस अगर हम देखें जब से ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है रिस्पांस कोई बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं रहा है।
हालांकि स्कीम के फीचर्स यही हैं कि अगर आपकी इनकम 10 लाख के नीचे है, आप 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफाइड इक्विटीज़ में, कंपनीज़ हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है। आपको टैक्स बेनिफिट जो मिलेगा वो 50% ऑफ दैट अमाउंट, तो अगर 25,000 कंसिडर किया जाएगा 80CCG के अंडर में, जहाँ पे आपको आपका जो भी टैक्स स्लैब होता है 10 या 20%, आप उसमें अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब इसमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो लिस्टेड के वो स्पेसिफाई की गई हैं। आप BSE का 100 जो भी स्टॉक्स जो BSE 100 इंडेक्स में हैं या CNX 100 में हैं, कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो महारत्नज होती हैं या मिनी रत्न या नवरत्नज हैं, या कोई भी दूसरी IPOs आती हैं कोई PSUs के जिनका टर्नओवर 4,000 करोड़ से ज़्यादा है और जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% से ज़्यादा हो। सो ये कंडीशंस जो भी आपके फुलफिल होते हैं तो आप उन कंपनीज में अगर निवेश करते हैं, एंड यू नीड टू हैव अ डीमैट अकाउंट। एक बहुत ही प्राइमरी जो कंडीशन रखी गई है वो ये है कि एक नए निवेशक के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। नया निवेशक वो है जिनका एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट के पहले से कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं था। सो डीमैट अकाउंट आपको खुलवाना मैंडेटरी है। आप अगर खुद से सिलेक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनीज में आपको ये 50,000 निवेश करना है, तो म्यूचुअल फंड के रूट भी आप ये कर सकते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने स्पेसिफिक RGESS स्कीम्स लॉन्च की हैं जो ये पूरे जो इनका स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मीट करती हैं। एक चीज और एक निवेशक को ध्यान में रखना होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू भी करते हैं, जो यूनिट्स हैं वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में लेना है, ना कि वो फिजिकल मोड में जो आपको सर्टिफिकेट के फॉर्म पे आता है। सो अगर आप ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करते हैं तो आपको 80CCG में ये बेनिफिट मिलता है। सो ये स्कीम ऐसे जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। चलिए केशव, ये जो इसमें टैक्स छूट आपको मिलेगी 25,000 तक की उसमें लिमिट है, और साथ ही 80CCG यानी 80C के अलावा आपको एडिशनल इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, पर याद रखें कि इसमें 3 साल का लॉक इन भी रहेगा। फिलहाल आज के शो में इतने सवाल शामिल कर पाएंगे। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। और अपने व्यूअर्स को बता दें, अगर आप भी अभी सोच रहे हैं कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएं या फिर अपने फिक्स डिपॉजिट और डेट फंड्स में लेकर कंफ्यूज हैं, तो इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ईमेल आईडी या फिर SMS के जरिए हमें आप सवाल भेज सकते हैं। moneyguru@znetwork.com पर आपको सवाल भेजने होंगे। साथ ही आज का कोड रहेगा सेव। सेव लिखकर अपने नाम के साथ अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।